हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मुरमुरे का नाश्ता। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसमें तेल का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है। आधा चम्मच तेल में मैंने बनाया ये नाश्ता। आप देख ही सकते हैं कि ये नाश्ता बाहर से उतना क्रिस्पी दिख रहा है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 कप मुरमुरे। इसे कहीं कहीं पे लैया भी बोला जाता है। इसे मैंने 4 कप लिया है। इसे अब मैं भिगो दूँगी। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक भिगो के नहीं रखना है, बस 5 मिनट तक, जब तक ये मुरमुरे सॉफ्ट ना हो जाए। ये तो पानी डालने के बाद ही तुरंत सॉफ्ट हो जाते हैं, बट मैंने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक ग्राइंडर जार में। इसका सारा पानी निकाल देंगे हम। इसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है हरी मिर्च। आप इसके साथ अदरक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है दही। अगर दही आप नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके जगह आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हमने ऐड किया है 1 कप सूजी। इसी कप से मैंने 4 कप मुरमुरा लिया था। सूजी के जगह आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और एक बार इसे फिर ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, ये सूजी और मुरे का एक अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ गाजर और 1 मैंने कैप्सिकम लिया है, उसे भी बारीक काट लिया है। और बारीक कटा हुआ धनिया। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे विदाउट सब्जी भी बना सकते हैं, तब भी ये टेस्टी लगेगा। और यहीं पर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अब हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, जिससे इसका कलर अच्छा सा आए। दोनों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि सूजी फूल जाए। इसमें हमने सूजी डाला है तो सूजी फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। 10 मिनट हो चुका है, इसे देख लेते हैं। तो देखिए, सूजी हमारी फूल चुकी है अच्छी तरह से। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। और अभी इसमें हमने ऐड कर दिया है 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और इसमें मैंने डाल दिया है पानी, थोड़ा सा सोडा एक्टिव करने के लिए। आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने अप्पे मेकर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया, ग्रीस कर दिया है ऑयल से। अब इसमें मैं 1-1 चम्मच बैटर इसमें भर दूँगी। अगर आपके पास अप्पे मेकर नहीं है या तो फिर आप इसे स्टीम करके खाना चाहते हैं तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। आप इसे इडली के सांचे में भी बना सकते हैं, इडली की तरह इसे स्टीम कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। तो इसे देख लेते हैं। तो देखिए, पीछे के साइड से अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, क्रिस्पी भी हो चुका है। इस तरह से हम चेक करके सारे अप्पे को पलट देंगे। तो देखिए, हमने सारे अप्पे को पलट दिया। अब इसे हम फिर ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से हमारा अप्पे बन चुका है, अच्छा कलर आ गया, क्रिस्पी हो गया है। तो हमारा ये मुरमुरे का नाश्ता बनके रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब इस नाश्ते को आप सर्व कर सकते हैं हरे धनिया की चटनी के साथ, या फिर टोमेटो केचप, या फिर चने दाल की चटनी, नारियल की चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद आए उसके साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ।